नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी, प्रस्तुत है समाचार। आज दिनांक 30 अगस्त 2023 दिन बुधवार को बीएसकेडी पब्लिक स्कूल के द्वारा सीआरपीएफ कैंप गढ़वा के प्रांगण में रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय की छात्राओं ने सीआरपीएफ कैंप में उपस्थित वीर जवानों की कलाइयों पर राखियां बांधी एवं उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की। छात्राओं ने आज इस उत्सव भरे कार्यक्रम में काफी उत्साहपूर्वक भाग लिया। सीआरपीएफ कैंप में उपस्थित बहादुर सिपाहियों के द्वारा विद्यालय की छात्राओं को विभिन्न तरह के दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले प्रशिक्षण व अनुशासनात्मक कार्य प्रणाली की विस्तृत जानकारी दी गई। रक्षाबंधन कार्यक्रम में सम्मिलित छात्राओं ने दैनिक पाठ्यक्रम से हटकर विभिन्न तरह की जानकारी से अपने आप को अवगत कराया। आज के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती अन्नपूर्णा सिंह ने कहा कि आज का यह कार्यक्रम हमारे वीर जवानों के सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम है और इस रक्षाबंधन कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने वीर सिपाहियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिसमें वीर जवान अपने घर परिवार से दूर रहकर देश की सुरक्षा के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। बहुत ही हर्ष की बात है कि आज हम अपने विद्यालय के इस माध्यम से वीर भाइयों के समक्ष उनकी कलाइयों पर रक्षाबंधन के पवित्र रक्षा सूत्र बांधने जैसे कार्यक्रम का आयोजन कर पा रहे हैं। कार्यक्रम के समापन में सीआरपीएफ अधिकारियों की ओर से कार्यक्रम में उपस्थित विद्यालय की छात्राओं और शिक्षिकाओं को उपहार प्रदान किया गया। विद्यालय परिवार सीआरपीएफ कैंप के द्वारा प्रदान की गई आज के इस व्यस्ततम समय में विद्यालय के बच्चों को अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए आभार प्रकट करता है। कार्यक्रम में प्राचार्य अन्नपूर्णा सिंह, शिक्षक राजीव रंजन चौधरी, जूही दुबे, सरिता कुमारी, लक्ष्मी कुमारी उपस्थित थे। जय हिंद, जय भारत टू माय ऑल सोल्जर्स एंड थैंक यू नितिन सर फॉर आवर वेलकम, अ ग्रैंड वेलकम। मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा से वेलकम होगा। हमारे बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं आप लोगों से मिलने के लिए। आई थिंक हमारी कुछ बैच है 10th के, जो ये उनका लास्ट ईयर है। मुझे लगता है जिंदगी में ये हमेशा याद रखेंगे इस पल को, और मुझे बहुत गर्व हो रहा है आपके कैंपस में आने के बाद। मैं अन्नपूर्णा सिंह, मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगी। मेरी पूरी फैमिली आर्मी से बिलोंग करती है। मेरे अंकल मेजर सूबेदार रिटायर्ड है आर्मी से, माई हस्बैंड ऑल्सो इन आर्मी। मैं तो बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगी, लेकिन मैं एक आर्मी लेडी की तरह बात करूंगी कि आप लोग का वर्क तो अप्रिसिएटिंग है, जो इनक्रेडिबल है उसके लिए मेरे पास वर्ड नहीं है। लेकिन आपके घर में जो आप जो बहनें हैं, वाइफ है, उनका भी कंट्रीब्यूशन 100% रहता है कि आप अगर वहां यहाँ पे बेफिक्र होकर अपने घर से यहाँ पे बहुत अच्छे से वर्क कर सके, काम कर सके, या जो भी टारगेट आपके हैं वो पोटेंशियली और इफेक्टिवली आप लोग कर सके, तो कहीं ना कहीं उनका कंट्रीब्यूशन है, इसलिए आप लोग यहाँ पे हैं। पर्सनली मैं बताऊंगी कि लाइफ में बहुत सारे ऐसे पल रहे हैं जिस समय शायद इमोशनली और मोरली मुझे बहुत चीजों की जरूरत रही अपने पार्टनर की, बट मैंने लाइफ में धीरे धीरे सीखा कि नहीं, ये मेरा यही लाइफ की जर्नी है, मुझे ऐसा ही चलना है। तो मैं फिर एजुकेशन लाइन में आई। मैं सोची कि हस्बैंड आर्मी में है, वो तो अपना कंट्रीब्यूशन दे ही रहे हैं, घर में बैठे दो बच्चों को क्या पढ़ाना। एजुकेशन सिस्टम में आने से इतने मतलब मेरा भी देश के प्रति कोई कंट्रीब्यूशन हो, तो मैंने इसीलिए एजुकेशन लाइन चुना कि कम से कम मेरा कंट्रीब्यूशन देश के लिए 10% तो रहे। और मुझे ये बहुत गर्व हो रहा है बताते हुए कि जब मैं स्कूल कैंपस में नेशनल एंथम गाते हुए सुनती हूँ, वंदे मातरम के नारे सुनती हूँ, तो वो जो मतलब वो जो फीलिंग है वो मेरे लिए इनक्रेडिबल है। और आप सब का जो वर्क है उसके लिए सलाम है। जय हिंद। ऑन दिस ऑसिपिशियस ओकेजन ऑफ रक्षाबंधन we have gathered here to celebrate beautiful bond between brother and sister. Raksha Bandhan, also known as Rakhi and Raksha Sutra, our soldiers remain far from their family. They have no time to celebrate any festival with their family. We have celebrated this function because of their families. We are glad to celebrate this Raksha Bandhan with our soldiers. Thank you very much for giving this opportunity
and to celebrate this festival in your campus. So, love for our mother, बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता, वो चाहे दूर भी हो तो गम नहीं होता। अक्सर रिश्ते दूरियों से फीके पड़ जाते हैं, पर बहन भाई का प्यार कभी कम नहीं होता। गीतांश टीवी परिवार की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।